रोहित शर्मा का आतंक, जायसवाल का तूफान, केएल राहुल ने खोल दिए गेंद के धागे, कोहली ने भी मचाई तबाही, कांप गया पूरा क्रिकेट जगत, बर्बाद हो गई बांग्लादेश। गौतम गंभीर के बब्बर शेरों ने टेस्ट को बना दिया T20, कानपुर के दर्शकों ने भी पकड़ लिया अपना माथा, मैदान में ही रोने लगे थे बांग्लादेशी गेंदबाज। कोहली के बल्ले से आकाशदीप ने छक्कों का खड़ा किया ऐसा बवंडर, रोते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों ने कर दिया आसानी से सरेंडर, खुशी से उछल पड़े गौतम गंभीर। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया के सभी शेरों ने आग का गोला बनाकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेश के सभी गेंदबाज चलते मैच के दौरान ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए थे। रोहित शर्मा ने तो पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर ब्रैंडन मैकुलम की स्टाइल में सामने की ओर शानदार झन्नाटेदार आसमानी लंबा सा छक्का पेल देते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा तूफान बनकर अगली ही गेंद पर पुल शॉट के जरिए एक और लंबा सा छक्का पेल देते हैं। रोहित शर्मा के इस तूफानी अंदाज को देखने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाज मैदान पर ही रोने पर मजबूर हो गया था। एक तरफ रोहित शर्मा तूफानी अंदाज में छक्के पे छक्के पेले जा रहे थे तो वहीं पर दूसरी तरफ रोहित शर्मा के छोटे भाई यशस्वी जायसवाल तो पारी के पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए थे। एक शेर तो दूसरा बब्बर से रोहित शर्मा से तो 2 कदम आगे निकल जाते हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मुकाबले को T20 बना दिए थे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर इस तरह से तबाही मचाने का काम करते हैं कि 3 ओवर के बाद ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन हो जाता है और बांग्लादेश के सभी गेंदबाज मैदान पर ही रोने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, मगर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल तो और खूंखार शेर की तरह तबाही मचाने का काम करते हैं। टीम इंडिया के इन बब्बर शेरों की तूफानी बल्लेबाजी को देखने के बाद आज पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। हर कोई यही बोल रहा है कि टीम इंडिया के बब्बर शेरों ने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से T20 बना दिया है। 10 के औसत से टीम इंडिया के सभी बब्बर शेर रन बना रहे थे। यशस्वी जायसवाल तो कुछ ज़्यादा ही आग का गोला बनाकर सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे हुए थे। हालांकि यशस्वी जायसवाल भी सिर्फ 51 गेंदों का सामना करते हुए 72 रनों की तूफानी तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, मगर यशस्वी जायसवाल अपना काम कर जाते हैं। जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी गेंद के धागे खोलते हैं। हालांकि ऋषभ पंत फ्लॉप साबित होते हैं, मगर विराट कोहली का भी तूफानी अंदाज देखने को मिलता है। केएल राहुल और विराट कोहली यह दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को चुन चुन कर बेरहमी तरीके से दर्दनाक तरीके से पिटाई करने का काम करते हैं। हालांकि विराट कोहली भी छक्का मारने के चक्कर में 35 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। कोहली के आउट होने के बाद भी केएल राहुल लगातार गेंद के धागे खोलते हैं। केएल राहुल का पहली बार टेस्ट के मैच में आतंक देखने को मिलता है। केएल राहुल ने इस मुकाबले में बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 43 गेंदों का सामना करते हुए 68 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। आखिर के ओवर में टीम इंडिया के नए नवेले खिलाड़ी आकाशदीप ने भी अपना हाथ साफ करते हुए विराट कोहली द्वारा दिए गए बल्ले से लगातार 2 गेंदों पर 2 आसमानी लंबे लंबे छक्के जड़ देते हैं। आकाशदीप के लंबे लंबे छक्कों को देखने के बाद कानपुर के सभी दर्शक भी हैरान हो जाते हैं और आकाशदीप के सम्मान में भी जोर जोर से तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर गौतम गंभीर तो हंसने लगते हैं।